मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। राजनीतिक खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका, लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज की आयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। आगाज करने से पहले नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इंतखाबात के मद्देनजर मुख्तलिफ सियासी जमातें वोटर्स को हथेली में जन्नत बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीआरएस की कारकर्दगी का कोई मुकाबला नहीं। रूरल में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार। मस्जिद कच्चियान के पास छोटे कारोबारियों को महकमे बल्दी की जानिब से हरास आने के खिलाफ अवाम का एहतजाज व महकमे बल्दी कमिश्नर से मुख्तलिफ कायदीन की मुलाकात। तीन अक्टूबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद के पेश नजर आज SPG की क्यादत में हेलीकॉप्टर ट्रायल रन का इनेकाद। MLC के कविता की वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के लिए की गई काविशों के सबब ब्रिज इंडिया लंदन की जानिब से 6 अक्टूबर को मुनाकिदा तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी किया गया मद। मरकजी जमाते कांग्रेस और BJP BRS की कारकर्दगी से खौफजदा, नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत रुकन असेंबली जीवन रेड्डी का दौरा रामचंद्रपल्ली। निजामाबाद रूरल रुकन असेंबली BJP गोवर्धन को अवामी तायद का सिलसिला जारी। आज SC ST मदिरास संगम के 200 अफराद ने ZPTC BJP जगन के हाथों की BRS में शमूलियत हासिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद कच्चियान के रूबरू मौजूद छोटे कारोबारियों को महकमे बल्दी की जानिब से बर्खास्त करने की कोशिश, खायद कांग्रेस मोइन यूनुस व दीगर कारोबारियों की जानिब से शदीद एहतजाज दर्ज। आज सुबह के अवली नौखाब पे महकमे बल्दी के मुलाजमीन ने टाउन प्लानिंग अहदेदारों के हमराह मस्जिद कच्चियान व इसके रूबरू मौजूद छोटे कारोबारियों जो बंडियों पर फल बेचते हैं वो छोटे पैमाने पर सड़क के किनारे काम कर रहे हैं, इनकी दुकानों को बर्खास्त करने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया और साथ ही साथ मस्जिद के मलगियों में मौजूद कारोबारियों को भी इस ताल्लुक से आगाही करवाई, जिस पर वहां मौजूद खायद कांग्रेस मोइन यूनुस ने वो दीगर कारोबारियों ने महकमे बल्दी की इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। वो बिना किसी नोटिस के किए जा रहे गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। भाई भी समझ तो मुनासिब है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा, दुकान वालों को फ्लेक्सियाँ हो या फिर छपरे हो थोड़े अच्छा करे, छोड़ना भी चाहिए, रोड की प्रॉब्लम हो रही अच्छा है छोड़ना भी, मगर ये इतनी अंदर लेने के बाद ये गरीबा है जिनमें 100 रुपए का कारोबार कर लिया, 200 रुपए का कारोबार करके जीने वाले, ये अंदर है, ये अंदर है, ये थोड़ा पूरे पहले की बात करेगा, पहले की फिर गाना गाना पड़ता है, पहले की बात करो, बहुत करो, तुम्हारे को ये नहीं दिख रहा तुम्हारे को टोटली कुमार गली साफ होना, LVR साफ होना, साफ होना भाई, साफ होना, उसके बाद नेहरू पार्क आना। गरीब मुस्लिम ताजिरों पर बल्दी मुलाजमीन की जानिब से गैर कानूनी कार्रवाई व बदकलामी नाकाबिले बर्दाश्त, जिम्मेदार मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिले सदर जमीतुल्मा हाफिज ले खान को बल्दी कमिश्नर से मुलाकात और नुमाइंदगी। कहना चाहूँगा कि आपको मस्जिद कच्चियान के सामने के वही छोटे ताजिरी नजर आ रहे, दूसरी दुकान नहीं है और शहर में दूसरी जगह फुटपाथ पे ताजिरी नहीं है, तो आप सिर्फ इन्हें अकेले ताजिरों को टारगेट मत कीजिए, गरीबों का ख्याल कीजिए। हम ये नहीं कहना चाहते कि इसका मतलब दूसरी जगह आप किसी और को, छोटे ताजिरीन को परेशान न किया जाए, हमारा म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से भी मुतालबा है, उनसे दरख्वास्त भी की है
कि ऐसा करने से पहले वो नोटिस देंगे और उसका तरीका है नोटिस देना और पहले बल्दिया की जानिब से उनको इत्तला करना चाहिए बगैर किसी इल्म इत्तला के। आज सुबह अचानक पूरा टीपीओ का जो बल्दिया का जो अमला होता है आकर उन्होंने इसको मुनादिम करने और दुकानों के सामने के टीन शर्ट को तोड़ने की कोशिश की, जिस पर इन दुकानात वालों ने उनसे एहतजाज किया और थोड़ी सी सख्त गुफ्तगु हुई, वो लोग वापस गए। जाते हुए बल्दिया के कुछ अहदेदारों ने बदसुलूकी और बदकलामी करने पर सारे लोग नाराज़ होकर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से दरख्वास्त किए हैं कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ये रवैया ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। और मैं ज़िले इंतज़ामिया से भी ये कहना चाहूँगा कि छोटे ताजरीन को उनकी जगहों से हटाकर आप उनको पहले ही तिजारत नहीं है उनको नुकसान, उनका माशी नुकसान मत पहुँचाइए। हमारी गुजारिश ये है कि आप जो लोग गरीब हैं उनको छोटी तिजारत छोटी सनत लगा कर देना चाहिए, ना कि उनका बना बनाया उजाड़ना चाहिए। अलशिफा हॉस्पिटल निज़ामाबाद के लिए एमएलसी के कविता का 50 लाख रुपए माली इमदाद। एमएलसी के कविता का अपना वादा पूरा करने पर अलशिफा वेलफेयर सोसाइटी सेक्रेटरी अहमद अब्दुल अजीम का इजहार तशक्कुर। अलशिफा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद तारबंद के ज़ेर इंतज़ाम चलाए जाने वाले अलशिफा हॉस्पिटल रहमतपुरा निज़ामाबाद के लिए निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने अपने वादे को पूरा करते हुए सिंगारिनी कॉलर रेस की तौसे से 50 लाख रुपए लागती असरी आला से लेस इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी अमल में लाई। इस बात का इंकशाफ आज अलशिफा सोसाइटी के सेक्रेटरी अहमद अब्दुल अजीम ने रियाज तन्हा मंजूर मोहियुद्दीन रशीद आरिफ मोहम्मद गौस के हमरा मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। अलहाज अहमद अब्दुल अजीम ने एमएलसी के कविता ने अपने दौरा अलशिफा के मौके पर 50 लाख रुपये मालियती असरी आला से लेस मशीन देने का वादा किया। आज इस वादे को पूरा करने पर अलशिफा सोसाइटी के कविता से इजहार तशक्कुर करती है। इनके अलावा इस सिलसिले में ताउन करने पर सिंगारिनी कॉलरेज एमएलए गणेश गुप्ता एमएलए बाजरेटी गोवर्धन सदर जिले अखलती सेल बीआरएस नवीद इकबाल साबिका रेडको चेयरमैन एस ए अलीम कॉर्पोरेटर्स एम ए खुदूस बबलू खान सदर टाउन अखलती सेल इमरान शहजाद साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली से भी इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अलशिफा हॉस्पिटल के क़याम का मकसद खानगी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के इस्तेसाल से गरीब मुतवस्स खानदानों को महफूज रखना है। मिस्टर अहमद अब्दुल अजीम ने कहा कि अलशिफा हॉस्पिटल में बेहतरीन तिबी खदमात और मेटरनिटी सहूलतें फ्राहम करते हुए खल्क खिदमत करना अहम मकसद है। इस मिली कास के पेश नज़र एमएलसी के कविता ने गरीब अवाम के लिए खसूसी दिलचस्पी लेते हुए अपने वादे को पूरा किया और सिंगारिनी कॉलरेज के जरिए अलशिफा हॉस्पिटल के लिए 50 लाख रुपये मालियती असरी आला से लेस मशीन की मंजूरी अमल में लाई। इन्होंने कहा कि जल्द ही हमें दरकार मशीन वो आलात हासिल हो जाएंगे। अलशिफा वेलफेयर सोसाइटी सेक्रेटरी अलहाज अहमद अब्दुल अजीम ने अलशिफा हॉस्पिटल के क़याम के सिलसिले में दीगर अहल खैर हजरात के तौन पर भी इजहार तशक्कुर किया और बताया कि अलशिफा मेटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल की तामीर मुकम्मल तौर पर खुद सोसाइटी के अरकान बाएतमाद अहबाब बही खवाहान मुकामी और गैर मुकामी अहल सर्विस व अहल खैर हजरात से मुकम्मल हुआ। इस तरह हॉस्पिटल चलाने की खातिर दरकार आलात व औजार मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीदी के लिए समाज के तमाम अहल खैर व अहल सर्विस हजरात व सियासी जमातों से तआवुन हासिल हुआ है। आर्मोर म्यूनसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान की क़यादत में आर्मोर टाउन में स्वच्छता ही सेवा स्वच्छ आर्मोर मुहिम का शानदार पैमाने पर एहतमाम। सीडीएमए गारी आदेश अनुसार मरी गवर्नमेंट प्रतिष्ठात्मक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अंदर चला ऐक्टिविटी चला चला अंत चला होल हार्टेड साजिद भाई मरी मन डीएम गारु सर मे गुड नेम सर श्रीनिवास गारु मरी मुंसिपल स्टाफ आरटीसी स्टाफ अंदर कल स्वच्छता हई सेवा की कार्यक्रम में पागोन प्रति ओखे मन आर्मूर पटे दीन कांसप्ट मेन मन आर्मूर टाउन मन नीट उवाल नीट उवाले इला प्रति प्रजल मरी మన సిబ్బంది ఎట్లా చేస్తారు మా శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఎట్లా చేస్తారు కానీ ప్రజల్లో అవగాహన రావాలా అవగాహన వచ్చినాకనే వస్తేనే కాబట్టి వస్తేనే టౌన్ నీట్గా ఉంటుంది అది అలా సాజిద్ భాయ్ చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయనకు నా హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్ఫుల్ ఆయన అందరు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఈరోజు మన పురపాలక సంఘం మన ఆర్మూర్ వారి స్వచ్ఛతా ఈ సేవ సందర్భంగా ఆజ్కి అమృత్ మహోత్సవ సందర్భం కూడా
प्रति पट्ण परशुभ्रेन उद्देश्य तो यह प्रोग्रम मन प्रभा संघ मन आरटीसी बस स्टा कंडक्ट जी वारी तरवा विविध विविध शाखल एंप्लायी को अंदर पागो अंदर की आरटी तरफ ना कृतज्ञ चुप्तना अदे विधा मुनपाल कमीशनर को साधी गारी पत्रकारी धन्यवाद जल्दना थैंक यू वेरी मच अंदर की धन्यवाद मैं पार्टिसपेट चला थैंक खवातीन तहफुजात बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी 33% तहफुजात अब कानून बन गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी है जिसे पार्लियामेंट के हालिया खसूसी इजलास के दौरान दोनों ऐवानों ने मंजूर किया था। मरकजी हुकूमत ने मस्कुरा बिल के लिए एक गजेट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। सदर जमहूरिया से मंजूरी मिलने के बाद अब ये बिल एक कानून बन गया है। मस्कुरा कानून का मकसद लोकसभा और रियासतों की असम्बलियों के साथ साथ दहली असम्बली में खवातीन के लिए 33% सीटें रिजर्व करना है। दर्ज फहरिस्तों और दर्ज फहरिस्त कबाइलियों के खवातीन को 33% रिजर्वेशन इस जिमरे के लिए मौजूदा कोटे के अंदर फ्राहम किया जाएगा। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर डिवीजन नंबर 41 चंद्रशेखर कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए की मसालत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। वो डिवीजन नंबर 7 नियालकल रोड में वाक़ रेडियो स्टेशन के करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया। वो इसी तरह से डिवीज़न नंबर 24 गायत्री नगर में 1 करोड़ रुपए मालियती रकम से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। वो डिवीज़न नंबर 26 कोटा गली में 1 करोड़ रुपए की मसालत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए डिवीज़न नंबर 28 गाजुल पेट में 1 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बातजा क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना के दौर इख्तदार में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। वो रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजन करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर बल्दी नज़म नक्स KTR हर एक डिवीज़न के लिए 1 करोड़ रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में ला रहे हैं और इसी तरह से मंजूरी अमल में लाए गए फंड से शाह निज़ामाबाद में वाक़ हर एक डिवीज़न वो हर एक कॉलोनी में सीसी रोड ड्रेनेज की तामीरी कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुंचाया जा रहा है और मुकामी अवाम को राहत फ्राहम करने के लिए शहर में मिनी टैंक बॉन्ड की तामीर अमल में लाई गई है। वो शहर में जदीद तर सहूलियात से आरास्ता वाईकुंटा दामम की तामीर अमल में लाई गई है और नौजवानों को रोज़गार फ्राहम करने के मकसद के तहत शहर में IT टावर की तामीर अमल में लाकर दस्तियाब में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मियाँ नीतू किरण शेखर, साबिका मियाँ राकुला सुजाता, साबिका नोएडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, BRS पार्टी सिटी सदर व सेक्रेटरी एस राजू, एनुगुला मुरली डिवीज़न नंबर 41 कॉरपोरेटर, बी इंदिरा BRS ST सेल शहरी सदर, चांगूबाई TRS KY सिटी सेक्रेटरी, शेख अहमद, जय अशोक महबूब डिवीज़न नंबर 7 कॉरपोरेटर, मधु BRS डिवीज़न इंचार्ज, के संतोष, अनिल राव जी, प्रवीण पी, रवि जी लिंगम, अजय राजगा, कृष्णा डिवीज़न कॉरपोरेटर, बी वैष्णवी, BRS खादिन, डी अंतरेडी देवी, ए संतोष डिवीज़न नंबर 28 कॉरपोरेटर, ई ममता प्रभाकर, BRS खादिन, पी भाजना, ए महेंद्र, दिलराज सिंह, बाला किशन व दिगर ने शिरकत की। प्रति डिवीजन కోటి రూపాయలతో భూమి పూజలు చేసినాం. మరి గత సంవత్సరం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు నిజామాబాద్ పర్యటన సందర్భంగా 100 కోట్ల రూపాయలు మన నిజామాబాద్ పట్టణానికి ప్రకటించినట్టు సంగతి మనందరికి తెలుసు. మరి ఇవన్నీ పనులు పూర్తి చేసుకొని టెండర్లు పూర్తి చేసుకొని ఇప్పుడు భూమి పూజలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున నలుమూలల పట్టణంలో నలుమూలల అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా రోడ్లు పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గత నెల KTR గారు మరి ఐటీ హబ్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చేసినటువంటి సందర్భంలో నిజామాబాద్ నగరానికి 60 కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించినటువంటి సంగతి కూడా మనందరికి తెలుసు. KCR హుకుమత్ కే దౌర ఇఖ్తిదార్ మే రూబే అమల్ మే లాయే జానే వాలే ఫ్లై స్కీమాత్ ఓ జారీ తరఖియాతి కామో సే ముతాసిర్ హోకర్ మాక్లూర్ మండల్ కే గుద్పా దేహాత్ సే తాలుక్ రఖనే వాలే నాయబ్ సర్పంచ్ రఘువేందర్ వో ఇన్కే సాథియోన్ నే జిలే BRS సదర్ ఆర్మర్ ఎమ్ఎల్ఏ జీవన్ రెడ్డి కే హాతో BRS పార్టీ మే కీ షమూలియత్ ఇఖ్తియార్. తెలంగాణ హుకుమత్ కే దౌర ఇఖ్తిదార్ మే CM KCR కీ కామయాబ్ తరిన్ ఖియాదత్ మే రూబే అమల్ మే లాయే జానే వాలే ఫ్లై హో తరఖియాతి స్కీమాత్ సే ముతాసిర్ హోకర్ మాక్లూర్ మండల్ కే గుద్పా దేహాత్ సే తాలుక్ రఖనే వాలే నాయబ్ సర్పంచ్ రఘువేందర్ వో ఇన్కే సాథియోన్ నే
पहले बीआरएस सदर आमिर रुकन असेंबली पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल के। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले कायदी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात और जारी तरक्याती कामों के अलावा जिले बीआरएस सदर आमिर एमएलए जीवन रेड्डी के हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। बातजा क़याम अमल में लाए गए इजलास से आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्किल अमल में लाने के बाद रियासत तेलंगाना में 450 स्कीम से कई तरक्याती कामों का अंजाम देने का सहरा सीएम केसीआर के तहत जाता है। वो रियासत तेलंगाना के पहले वजीर आला की हैसियत से इख्तदार संभालने वाले केसीआर के बाद रियासत के तमाम तबकात यानी बिला लिहाज मजहब मिला तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम की तरक्की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इकदाम किए जा रहे हैं और अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा स्कीम की किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलती। केसीआर हुकूमत के इख्तदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीम से हर एक खानदान मुस्तफीद हो रहा है। रियासत तेलंगाना में हर तबके के लिए हर तरह की सहूलतों को फ्राहम करते हुए मुख्तलिफ स्कीम को रूबे अमल में लाया गया है, जिसमें रायतु बंधु, रायतु बीमा, बरखी की मुफ्त फ्राहमी, शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी मिशन भगरता किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीम को मद्देनजर रखते हुए सहूलतों को फ्राहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा की तेलंगाना हुकूमत के आने के बाद तमाम तबकात के लिए फलाई स्कीमें नाफिज की गई है और हर खानदान के पास किसी न किसी शक्ल में हमारे सीएम केसीआर की तरफ से दी गई फलाई स्कीम मौजूद है। तेलंगाना वाहिद रियासत है जो केसीआर किट के जरिए लड़की के लिए 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपए फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे और मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। मछलियों के शिकार को जाने वाले शख्स का इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने का रुद्र मंडल के चिक्कड़पल्ली देहात में वाकया पेश आया। चिक्कड़पल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले 32 साला राजू नामी शख्स बरोज़ जुमा दोपहर के औकात कार में मछलियां पकड़ने के दौरान हादसाती तौर पर फौत हो गया। वो मुतवफ़ी के अहलिया राज्य लक्ष्मी की जानिब से दी गई शिकायत पर रुद्रपुर पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर जाय मुकाम पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। वो केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का एसएफ नरेश ने इजहार किया। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफा होने का दरपल्ली ZPTC मेंबर बाजरेडी जगन मोहन ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल हल्के के डिशपली मंडल के मुकाम पर रियासती ताइकोंडो व नायब सदर जिले ओलंपिक नायब सदर दरपली ZPTC मेंबर बाजरेडी जगन मोहन ने तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा 370 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों के इंदलवई मोपाल मंडल के अलावा निजामाबाद रूरल मंडल के मुस्तहकिन में फ्राहमी अमल मिलाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के इख्तदार में सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक गरीब अवाम के लिए एक नायाब तोहफा है। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तदार में नाफिज करदा स्कीम से दीगर रियासतों के अवाम मुतासर होकर इनके अपने रियासतों में केसीआर की फलाई स्कीम को मुतारफ करवाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि सीएम केसीआर की अवामी मकबूलियत ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों में अवामी मकबूलियत बरकरार है। इस मौके पर इस्तीफादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर व RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेडी गोवर्धन दरपली ZPTC मेंबर बाजरेडी जगन मोहन का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मंडलों के ZPTC MPPs, YSMPs, मंडल सदर, सोसाइटी चेयरमैन, TRS पार्टी से मुतालिका संगमों के खायरीन व सीनियर खायरीन, मुख्तलिफ देहात के सरपंचों के अलावा नायब सरपंच, MPTCs व दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। అంటే కొంతమంది ఏమంటారంటే అంత పైసలు వంచద్దు అని అంటున్నారు, కొంతమంది పైసలు వంచద్దు అన్నారు. ఎవరు? ఇదే రేవంత్ రెడ్డి అన్నాడు, ఇదే సంజయ్ బండి సంజయ్ అన్నాడు. తర్వాత ఇప్పుడు అదే రేవంత్ రెడ్డి అందరికీ 2,500 పెన్షన్ ఇస్తా, ఆడోళ్ళకి ఉద్యమకారులకి ఏదో ఇస్తా అని చెప్పి ఆయన కూడా పైసలు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమాలు పెడుతున్నాడు. కాబట్టి మీకు ఇచ్చే 100,000 రూపాయలల్లో మీ అల్లుడికి కొనిచ్చే బండి లేదా మీ అల్లుడికి ఏదన్నా వస్తువు టీవీ ఏదిగో ఏది కొనిచ్చినా కూడా ఆ టీవీయో మోటార్ సైకిలో అవన్నీ కూడా మన దేశంలో తయారైతే మన దేశంలో తయారయ్యే మోటార్ సైకిళ్ళకి మనం పైసలు ఇస్తున్నాం. ప్రభుత్వం పైసలు ఇచ్చి దాంట్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఉపాధి కల్పిస్తున్నాం, వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగుపడుతున్నాయి. ఆ రకంగా డబ్బులు ఇచ్చిన అన్నీ కూడా మార్కెట్లో తిరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు భారతదేశంలో తెలంగాణ అనేది టాప్లో ఉన్నది. టాప్ అంటే మీరు టీవీలలో చూస్తుండవచ్చు హైదరాబాద్ ఎట్లా వెలిగిపోతున్నాం.
హైదరాబాద్ కాదు నిజామాబాద్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు। रुद्र मंडल के रानमपल्ली देहात में 3,12,00,000 रुपए माली तरकम से मुनाकदा तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में कानून साज असम्बली स्पीकर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। रुद्र मंडल के मुकाम पर वाक़ रानमपल्ली देहात में 3,12,00,000 रुपए की लागत से मुनाकदा तरक्याती कामों संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में रियासती असम्बली स्पीकर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इससे कबल मुकामी अवाम व कायदीन की जानिब से कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातजा क़याम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिका हुकूमत के दौर इख्तदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, जिससे अवाम उस वक्त के हुक्मरानों से बज़न हो चुके थे। वो अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के फौरी बाद रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फ़लाई स्कीमात के समरात को तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करते हुए रियासत तेलंगाना की स्कीमात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP ए सुजाता नागिंदर, ZPTC नारोजी गंगाराम मंडल से मुतालिक मौजूदात के सरपंचों के अलावा BRS पार्टी मंडल सदर पी लक्ष्मी, सेक्रेटरी N बालराजू, कायदीन टी संगैया, नटकरी साइलू, कासुला रघु व दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी दौरे के तहत 3 अक्टूबर को निज़ामाबाद में आमद के मौके पर SPG अहलकारों की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सरकारी दौरा होने के पेश नज़र SPG अहलकारों की जानिब से शाहनिज़ामाबाद में हेलीकॉप्टर ट्रायल रन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत कलेक्ट्रेट में हिंदुस्तानी फिजाइया से ताल्लुक़ रखने वाले हेलीकॉप्टर SP अहलकारों ने मुकामी अहदेदारों के हमराह ट्रायल रन का इनेकाद अमल में लाया। MSC कलवाकुंटला कविता को लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिज इंडिया तंजीम का दावतनामा, सियासत में ख़वातीन तहफ़ुज़ात के ताल्लुक़ से लंदन में 6 अक्टूबर को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इजलास में हिस्सा लेने की अपील। पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले ख़वातीन तहफ़ुज़ात बिल को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से मुहर्रज़ करने के पेश नज़र लंदन में 6 अक्टूबर को एक इजलास का क़याम अमल में लाने का दावतनामे में इजहार किया। वो सियासत जमहूरी खमल में ख़वातीन की शिरकत को बढ़ाने के लिए कविता की जानिब से जारी खसूसी कोशिश की तंजीम ने तारीफ की। वो इसी तरह से महिला रिजर्वेशन बिल के लिए कई प्रोग्राम किए व मुख्तलिफ सियासी जमातों की हिमायत हासिल करने में अहम तरीन किरदार अदा करने की वजाहत की, और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने से मुल्क भर में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के ताल्लुक़ से बहस छिड़ गई और इसके एक हिस्से के तौर पर जंतर मंतर पर कम अज़ कम 6,000 अफराद के साथ धरने का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस मौके पर 18 पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने शिरकत करते हुए हिमायत फ्राहम की। नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत रामचंद्रपल्ली में इनेकाद अमल में लाए गए अवाम के इजहार तशक्कुर रैली में ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत। ज़िले BRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत देहात का दौरा करने के पेश नज़र मुकामी अवाम व ख़वातीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातजा इन्होंने मंडल से मुतालिका देहात का दौरा करते हुए अवाम से मुतालिका मसाइल से वाकिफियत हासिल की व ज़िम्मेदार अहदेदारान के ज़रिए इनसे मुतालिका मसाइल को हल करवाया। इस मौके पर मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए इनसे मुतालिका प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले किया, और इन्होंने मौज़े से मुतालिका मसाइल के हल के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने का तयफ़ुन दिया। इस प्रोग्राम में मौज़े के सरपंच MPTC TRS कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। మమ్మల్ని ఆదుకుంటున్నారు, మా కడుపు నిండా బువ్వ పెడుతున్నారు, మమ్మల్ని సాగుకునే డబ్బు
रूरल हलके में आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजोडी गोवर्धन को भरपूर ताईद हासिल। एससी एसटी व मदिरा संगम से वाबस्ता राकिन ने दरपली जेडपीटीसी मेंबर बाजोडी जगन मोहन की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। आज एमएलए कैंप दफ्तर पर रियासती ताइक्वांडो नायब सदर व जिले ओलंपिक नायब सदर दरपली जेडपीटीसी मेंबर बाजोडी जगन मोहन की मौजूदगी में मनचिपा सरपंच सिद्धार्थ के जेर निगरानी में मनचिपा देहात से ताल्लुक रखने वाले एससी एसटी मदिरा संगम से वाबस्ता राकी ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसके तहत इन्होंने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल के। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजोडी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब रूरल हल्के में तरक्याती काम तेज़ी के साथ मुकम्मल किए जाने के बाइस अवाम की भरपूर ताइद मिल रही है और मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता खादिम जोग दर जोग बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। निज़ामाबाद तारबन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता कुर्मा संगम भवन की तामीर के लिए एमएलए कोटे के तहत सीडीपी फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुतालिका प्रोसीडिंग कॉपी को संगम से वाबस्ता राकिन को किया हवाले। निज़ामाबाद तारबन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सात कुर्मा संगम भवन की तामीर के लिए 35 लाख एमएलए कोटे के तहत सीडीपी फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इसी मुतालिका प्रोसीडिंग कॉपी को संगम के राकिन को हवाले किया, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से। एक चंद्रा बाबू कॉलोनी संगम के लिए 5 लाख रुपए, पनगरा कुर्मा संगम के लिए 5 लाख, पत्ती कुर्मा संगम हैदराबाद रोड के लिए 5 लाख रुपए, नीला कंटेश्वरा कुर्मा संगम के लिए 5 लाख, डंडू कुर्मा संगम अरसापल्ली के लिए 5 लाख रुपए, टुनगना कुर्मा संगम अरसापल्ली के लिए 5 लाख रुपए पर मबनी प्रोसीडिंग कॉपी संगम से वाबस्ता राकिन को हवाले की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इंतखाबात के मद्देनजर मुख्तलिफ सियासी जमातें वोटर्स को हथेली में जन्नत बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीआरएस की कारकर्दगी का कोई मुकाबला नहीं। रूरल में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पूछे नाम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार। मस्जिद कच्चियान के पास छोटे कारोबारियों को महकमे बल्दी की जानिब से हरास आने के खिलाफ अवाम का एहतजाज व महकमे बल्दी कमिश्नर से मुख्तलिफ कायदे ने की मुलाकात। तीन अक्टूबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद के पेश नजर आज एस पी जी की क्यादत में हेलीकॉप्टर सैलरन का इनेखा। एमएलसी के कविता की वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के लिए की गई काविशों के सबब ब्रिज इंडिया लंदन की जानिब से 6 अक्टूबर को मुनाकिदा तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी किया गया मधु। मरकजी जमाते कांग्रेस व बीजेपी बीआरएस की कारकर्दगी से खौफजदा, नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत रुकन असेंबली जीवन रेड्डी का दौरा रामचंद्रपल्ली। निज़ामाबाद रूरल रुकन असेंबली बाजोडी गोवर्धन को अवामी ताइद का सिलसिला जारी। आज एससी एसटी मदिरा संगम के 200 अफराद ने जेडपीटीसी बाजोडी जगन के हाथों की बीआरएस में शमूलियत हासिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मुझे खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।